गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। पिछली वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 4 इंडियन स्वीट्स के अंदर टॉपिक कवर किए थे, ईस्ट जोन स्वीट्स एंड वेस्ट जोन स्वीट्स। आज हम इस वीडियो में आगे कवर करेंगे साउथ जोन स्वीट्स और इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं साउथ जोन स्वीट्स। साउथ जोन स्वीट्स के अंदर जो पहली मिठाई आती है वो है आडा, ADA। इट लुक्स लाइक स्मॉल पैकेट्स मेड विद राइस फ्लोर डो। ये छोटे पैकेट्स के जैसा दिखाई देता है और राइस फ्लोर डो से बनता है। फ्लोर का मतलब भी आटा होता है और डो का मतलब भी आटा होता है, तो दोनों में अंतर क्या हुआ? राइस फ्लोर मतलब जो बिना गुथा हुआ सूखा आटा जो होता है उसको फ्लोर बोलते हैं, और डो जो आपका गुथा हुआ आटा होता है उसको डो बोलते हैं। तो आडा चावल के आटे का बना हुआ छोटे पैकेट के जैसा दिखने वाला मिठाई है, विद ए स्वीट फिलिंग एंड स्टीम्ड इन बनाना लीव्स। और इसके अंदर मिठास भर के केले के पत्तों में इसको स्टीम करके बनाया जाता है। नेक्स्ट स्वीट इज़ पयासम्स। पयासम्स आर ए वेरिएशन ऑफ नॉर्थ जोन खीर। नॉर्थ जोन के अंदर हमने स्वीट्स में देखा था कि एक खीर स्वीट डिश थी, उसी के अंदर थोड़ा सा वेरिएशन करके, थोड़ा सा बदलाव करके, चेंज करके पयासम बनाया जाता है। हाउ एवर मैनी वेरिएशंस ऑफ पयासम आर प्रिपेयर्ड यूजिंग जैगरी एंड कोकोनट मिल्क। हालांकि पयासम को गुड़ और कोकोनट मिल्क यूज़ करके और बहुत सारे वेरिएशन करके बनाया जा सकता है, एज कम्पेयर टू शुगर एंड डेरी मिल्क इन द नॉर्थ जोन। और नॉर्थ जोन के अंदर जो खीर बनाते हैं उसके लिए डेरी मिल्क और चीनी ये यूज़ करते हैं। नेक्स्ट स्वीट जो आपका आता है साउथ जोन के अंदर वो है पलपयासम। पलपयासम इज ए फॉर्म ऑफ राइस खीर ऑफ नॉर्थ जोन। पलपयासम भी आपका तो नॉर्थ जोन के अंदर जो राइस की खीर होती है उसी का एक रूप होता है, तो पलपयासम भी एक प्रकार है नॉर्थ जोन की खीर का। आगे बढ़ते हैं परुप्पू पयासम। इट इज़ मेड बाय रोस्टिंग एंड कुकिंग मूंग दाल एंड कुकिंग इट विद घी जैगरी एंड कोकोनट मिल्क। परप्पू पयासम को बनाने के लिए मूंग दाल को घी के साथ पकाते हैं। घी के साथ पकाने से पहले इसको रोस्ट करेंगे, थोड़ा सा भुनेंगे, उसके बाद घी में पकाएंगे, साथ ही गुड़ और कोकोनट मिल्क भी डालेंगे। इट मे बी गार्निश्ड विद फ्राइड नट्स। और इसको गार्निश करने के लिए जो नट्स हैं बादाम काजू इनको पहले फ्राई करेंगे, उसके बाद गार्निश करेंगे। नेक्स्ट स्वीट इज़ कोकोनट बर्फी। द बर्फी इज़ मेड फ्रॉम फ्रेश ग्रेटेड कोकोनट। जो कोकोनट बर्फी है उसके लिए नारियल को पहले ग्रेट किया जाता है, ग्रेट मीन्स उसको घिसते हैं, कस के बनाते हैं, और साथ ही यूज़ करते हैं घी एंड सेट विद शुगर सिरप। और घी के साथ इसको बनाएंगे और शुगर सिरप के साथ इसको सेट कर देंगे पीसीज में लाइक बर्फी। नेक्स्ट इज मैसूर पाक, ए वेरिएशन ऑफ बेसन बर्फी। मैसूर पाक आपका नॉर्थ के अंदर जो बेसन की बर्फी मिलती है उसी का एक फॉर्म है, थोड़ा सा चेंज करके बनाया जाता है, एंड मोहन थाल ऑफ द वेस्ट। और वेस्ट जोन के अंदर जो मोहन थाल नाम की स्वीट है उसी का ये रूप है मैसूर पाक। नेक्स्ट इज अंडे की पीओसी। अंडे की पीओसी इज ए बेक्ड स्वीट मेड विद एग्स शुगर मिल्क ग्राउंड आलमंड्स घी सैफरन एट्सेट्रा। तो अंडे की पीओसी जो मिठाई है इसको सेक करके, बेक मतलब
सेक करके बनाया जाता है, और इसको सेकने के लिए अंडा, चीनी, दूध, पिसे हुए बादाम, घी और केसर आदि यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट इज़ खुबानी का मीठा। खुबानी का मीठा, एप्रिकॉट्स आर बॉइल्ड इन सिरप टू प्रिपेयर ए कंपोट लाइक कंसिस्टेंसी। खुबानी का मीठा को बनाने के लिए एप्रिकॉट्स मतलब खुबानी, इनको बॉइल किया जाता है शुगर सिरप में, और एक कंपोट, एक स्वीट डिश होती है, उसकी जैसी कंसिस्टेंसी को इसके अंदर बनाया जाता है। द प्रिपरेशन इज टॉप्ड विद मलाई। इसके बाद इसके ऊपर से मलाई डाली जाती है। मोर कंटेम्प्रेरी ट्रेंड्स इंक्लूड कस्टर्ड और आइसक्रीम। और कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है सेम, और इसको किसके जैसा बनाया जाता है, कस्टर्ड या आइसक्रीम के जैसा। एंड गार्निश्ड विद आलमंड्स और एप्रिकॉट कर्नल्स। और इसको गार्निश किया जाता है, गार्निश मीन्स सजाना, सजाने के लिए बादाम और एप्रिकॉट कर्नल्स मीन्स खुबानी के जो गिरी है, कर्नल मीन्स गिरी, खुबानी की गिरी को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट स्वीट आता है आपका डबल का मीठा। इट इज़ ए ब्रेड पुडिंग। ये आपका ब्रेड से बनने वाली मिठाई है। ऑफ फ्राइड एंड क्रम्ड ब्रेड स्लाइसिस सॉक्ड इन रिड्यूस्ड हॉट मिल्क। क्रम्ड ब्रेड स्लाइसिस, क्रम्ड मीन्स ब्रेड को चूरा करके उसका क्रम्स बनाया जाता है, और फिर इसको फ्राई किया जाता है। रिड्यूस्ड हॉट मिल्क विद स्पाइसिस। मिल्क को पहले गर्म करेंगे जब तक वो थोड़ा गाढ़ा ना हो जाए, रिड्यूस मतलब गाढ़ा होना, और जब वो गाढ़ा हो जाएगा तो उसके अंदर मसाले डाल के, मसालों में सैफरन यानी केसर और कार्डमम यानी इलायची यूज करते हैं। इट इज़ पॉपुलर इन हैदराबादी कुजीन। डबल का मीठा जो स्वीट है वो आपका हैदराबादी कुजीन के अंदर बहुत फेमस है। एंड सर्व्ड एट वेडिंग्स एंड पार्टीज़। और डबल का मीठा को शादी ब्याह में और पार्टियों में सर्व किया जाता है। नेक्स्ट इज़ बादाम की जाली। आलमंड्स आर फर्स्ट ग्राउंड इनटू फ्लोर। बादाम की जाली बनाने के लिए पहले बादाम को पीस करके इसका आटा बनाया जाता है, एंड मेड इनटू ए डो विद शुगर। और इसके बाद चीनी के साथ इसको गूंथ करके आटा बनाते हैं, एंड देन रोल्ड विद ए लार्ज रोटी लाइक शेप। इसके बाद इसको रोल करके रोटी की जैसी शेप दी जाती है। बोल्स आर देन यूज टू गिव ए वैरायटी ऑफ शेप्स। इसके बाद अलग अलग शेप्स देने के लिए बोल्स का यूज़ करते हैं। दीज आर बेक्ड फॉर सम टाइम टू गिव इट द क्रिस्प टेक्सचर। इसके बाद इनको कुछ समय के लिए बेक करना मतलब सेकना, सेका जाता है, ताकि इसके अंदर क्रिस्प टेक्सचर मतलब कुरकुरापन आ जाए। नेक्स्ट एंड लास्ट स्वीट इज़ अशरफी। द सॉफ्ट अशरफी इज आल्सो प्रिपेयर्ड लाइक बादाम की जाली बट नॉट बेक्ड। अशरफी जो आपकी मिठाई है साउथ जोन के अंदर आती है, और इसको बादाम की जाली के जैसे ही बनाया जाता है, लेकिन सेक कर नहीं बनाया जाता। इंस्टेड द डो इज़ प्रेस्ड इन ए मोल्ड। और न ही डो को मोल्ड के अंदर प्रेस किया जाता है, विद ट्रेडिशनल निजामी इंस्क्रिप्शन टू लुक लाइक ए कॉन। कॉइन मतलब सिक्का, इसको सिक्के के आकार में बनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑन स्वीट्स इन इंडियन कल्चर। कि भारतीय कल्चर में, भारतीय संस्कृति में जो स्वीट्स हैं, मिठाई है, उनकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्या खासियत है। तो इसका आंसर आपको चैप्टर के शुरू में जहाँ हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन, उसी में से इसका आंसर मिलेगा। आप लोगों ने आंसर यहाँ से शुरू करना है, इंट्रोडक्शन में। मिठाई, मीठा और मिठाई
आर द टू एक्सेप्टेड वर्ड्स। यहाँ से लेकर के डिपेंड करता है कि ये आंसर कितने नंबर का आता है। अगर दो या तीन नंबर का आता है तो ओनली इंट्रोडक्शन, आपका जो लास्ट लाइन है इसको छोड़ करके, ए वैरायटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स आर यूज, इसको छोड़ करके डिलेक्टेबल स्वीट्स तक लिख सकते हैं। लेकिन अगर ये आंसर 5 मार्क्स का आता है तो इसको आगे ए वैरायटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स आर यूज्ड, यहाँ से लिखेंगे मेन इंग्रेडिएंट्स मिल्क, खोया, छेना, ये सब भी लिखना पड़ेगा, साथ ही स्वीटनिंग एजेंट्स, फ्लेवरिंग एजेंट्स, गार्निश एंड फैट्स एंड ऑयल, यहाँ तक ये आंसर पूरा लिखना पड़ेगा 5 नंबर में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन इज राइट शॉर्ट नोट्स ऑन, इसमें शॉर्ट नोट लिखना है बंगाली स्वीट्स के ऊपर। तो हमने ऊपर जितनी भी बंगाली स्वीट्स पढ़ी हैं उन सभी स्वीट्स के बारे में एक शॉर्ट नोट लिखना है इसके अंदर। इसका बी पार्ट है यूज़ ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स इन प्रिपरेशन ऑफ इंडियन स्वीट्स। तो ऊपर चैप्टर के अंदर सभी जोन में जितनी भी ऐसी स्वीट्स आई हैं जिनमें मिल्क या मिल्क से बनी हुई चीज़ों का यूज हुआ है, उन सभी को डिस्क्राइब करना है। थर्ड क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द वेरियस स्टेजेस ऑफ शुगर कुकरी एंड देयर यूज़ इन प्रिपेयरिंग इंडियन स्वीट्स। ऊपर टेबल बना के शुगर कुकरी के बारे में दिया हुआ है, इसकी जो स्टेजेस होती है जैसे कि आपका 1 थ्रेड, 2 थ्रेड, 2.5 थ्रेड, वो सभी स्टेजेस इसमें लिखनी है, और साथ ही उनका जो यूज़ है वो भी उस टेबल के अंदर दिया हुआ है, मतलब वो टेबल पूरा इसके अंदर हमने लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, नेम टू इंडियन स्वीट्स प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग फॉलोइंग एज मेन इंग्रेडिएंट्स। नेम टू इंडियन स्वीट्स, नीचे जो इंग्रेडिएंट्स दिए हुए हैं इनको यूज़ करके कौन कौन सी दो मिठाइयाँ बनाई जाती हैं उनके नाम लिखने हैं। ऊपर चैप्टर में इसका आंसर मिल जाएगा। और नेक्स्ट एंड लास्ट है आपका प्रैक्टिकल, प्रिपेयर एनी टू स्वीट्स फ्रॉम ईच जोन ऑफ इंडिया। इसके अंदर आपने हर एक जोन में से अपनी पसंद की जो आपको इजी लगे दो स्वीट्स बना करके दिखानी है। इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 4 ख़त्म हो गया। उम्मीद है पढ़ाया हुआ आपको पूरा अच्छे से समझ आया होगा, और यदि कोई क्वेश्चन या कोई डाउट होता है तो आप मुझे कॉल करके या कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।